मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश और बीजेपी विधायक रमेश मिंदोला की वजह से शुक्रवार को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में हंगामा हो गया। इसके चलते भस्म आरती में आधे घंटे की देरी हो गई। तीनों नेता शुक्रवार सुबह महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे और उनके आते ही मंदिर प्रशासन ने सभी गेट बंद कर दिए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मोदी सरकार में तीन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और एसपी सिंह बघेल की यात्रा निकलेगी। सिंधिया की यात्रा देवास, शाजापुर और इंदौर में निकलेगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की यात्रा 17 अगस्त को देवास से शुरू होगी और इस दिन यात्रा शाजापुर पहुंच जाएगी। 18 अगस्त को यात्रा खरगोन जिले में पहुंचेगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सिंधिया की यात्रा 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद अब गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आसमान साफ होते ही सूरज की तपिश ने पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान इंदौर में बौछारें पड़ी, लेकिन भोपाल में दिन का पारा उछलने से लोगों को गर्मी और उमस ने परेशान किया। अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और जबलपुर समेत 10 संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी 18 अगस्त तक मध्य प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। कहीं न कहीं बूंदाबांदी होगी, लेकिन 19 अगस्त के बाद ही गर्मी से लोगों को राहत मिल सकेगा। टोक्यो ओलंपिक में चौथे नंबर पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम को एमपी सरकार जल्द बुलावा भेजेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को जल्द बुलावा भेजने को कहा है। सीएम ने प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। भारत की महिला हॉकी टीम में 18 खिलाड़ी हैं, यानी 5.5 करोड़ रुपए सम्मान स्वरूप हॉकी टीम को दिए जाएंगे। गुरुवार को ही सरकार ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का सम्मान किया था। विवेक को सरकार ने 1 करोड़ रुपए सम्मान स्वरूप दिए हैं। वहीं डीएसपी के पद से भी नवाजा है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार सच का सामना नहीं करना चाहती। विधायकों द्वारा जनता के मुद्दे को उठाने के लिए विधानसभा सशक्त प्लेटफॉर्म है। सरकार के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए मानसून सत्र महज 3 घंटे में खत्म कर दिया गया। विपक्ष महंगाई, ओबीसी आरक्षण, कोरोना से मौत, ग्वालियर चंबल में बाढ़ से तबाही और जहरीली शराब से हुई मौतों के कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहता था।